For more television gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lahore's small screen. आप स्पेन से लौट के आ गई हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना पेन मिला आपको और कितनी खुश होकर लौटी हैं? डेफिनेटली पेनफुल था, काफ़ी पेन मिला है, काफ़ी इंजरीज हुई है, काफ़ी ज़ख्म हुए हैं, स्कार्स आए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें भी हमने की है, काफ़ी मज़ा आया. सो ओवरऑल इट वॉज यूनिक एंड ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस. बाकी के कंटेस्टेंट की अगर बात करें, रवि दुबे, देन फिर हिना खान, बाकी सारे लोग, जितने भी हम इंस्टाग्राम अगर आपके देखे तो सारे डांसिंग मूव्स काफ़ी थे, मतलब लगा नहीं कहीं से कि पेन वैसा कुछ हुआ है. क्या कहना चाहिए? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं. हम इंस्टाग्राम पे हमेशा अच्छी हंसते हुए मस्ती करते हुए ही पोस्ट डालते, जब कोई रो रहा हो तो थोड़ी ना इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं. सो नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर हमने जो मस्तियाँ की है, सब ने साथ में घूमे हैं, फिर बहुत मस्ती की है स्पेन में, तो इसलिए मैं वो सारा पोस्ट करती थी. लेकिन जो रियल पेन हमें मिला है वो स्टंट्स के दौरान मिलता था. हमें टाइम बहुत कम मिलता था कि हम बाहर जाए एंड थोड़ा घूम के आए, पर वी वुड मैनेज स्टिल. बट जो स्टंट हमने किया तब तो फ़ोन नहीं रहता था कि हम फ़ोटो खींच के दिखाएगी मुझे यहाँ चोट आई है और मेरे साथ ऐसा हुआ है अत्याचार. तो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू कीप आवर फोन्स विद अस व्हेन वी आर शूटिंग, बट we've done some craziest things ever in Khatron Ke Khiladi. ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, जितनी चोटें आई अगर उनके अलावा अगर कुछ बात करें ओवरऑल जर्नी की, तो कैसी रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी जो थी वो यादगार है, यादगार रहेगी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जैसी चीज़ें नहीं की या वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोची, वो सारी चीज़ें मैंने खतरों के खिलाड़ी में की है. तो काफ़ी एक बहुत प्राउड फीलिंग आती है अपने बारे में और अपने बाकी को कंटेस्टेंट्स के बारे में कि उन्होंने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया. हम सब ने मिल के एक ऐसा सफ़र तय किया जहाँ हम दूसरों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या चीज़ें साथ में कर चुके हैं. सो वी आर वेरी यूनाइटेड ऑन दैट ग्राउंड्स कि हमने जो डर महसूस किया है, जो फियर महसूस किया, जब हंसे हैं, रोए हैं, साथ में रोए हैं, तब जब पता है कि कंपटीशन है, बट स्टिल व्हेन यू सी समबडी स्कैर्ड, हमने सबको एनकरेज किया है, यू नो. सो हम वो एक स्पिरिट थी सबके अंदर. सो इट्स बीन अ ग्रेट ग्रेट शो एंड ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. अगर जाना चाहेंगे लोपा के डर, जब आप मतलब प्रेस कॉन हुई थी इससे पहले आपने कहा था आपको डर लगता है, क्या वो डर थोड़ा सा कम हुआ इसके बाद? काफ़ी हद तक कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ है. जो डर इतना इतने सालों से जिस डर के साथ मैं जी रही थी वो पूरी तरह से गया नहीं है. आई विल बी लाइंग इफ आई सेड कि मुझे पानी से अब डर नहीं लगता. डर उतना ही लगता है, डर उतना नहीं लगता है, आई थिंक कम लगता है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें की, जितने डीप वाटर में की, मैंने इतना डीप वाटर अपने आँखों से कभी देखा भी नहीं था. आई एम सो स्केयर ऑफ वाटर कि मैं कभी इतने डीप पूल के करीब भी ना जाऊँ. सो आई हैव डन इट, लाइक जो मैं नहीं कर सकती ऐसा मुझे लगता है वो सारी चीज़ें की. और सबसे बड़ी जो फेयर थी रोहित शेट्टी एज अ होस्ट, उनके साथ कैसा रहा? अभी भी खड़े हैं लाइक ही इज़ ग्रेट. आई थिंक ही इज़ अ फिनोमिनल पर्सन. उनका जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है एक्शन में या स्टंट में, उस फील्ड में इतना ज़्यादा है कि उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने. जब स्टंट कर रहे थे तभी भी सीखा है, जब स्टंट नहीं कर रहे थे, जब सेट लग रहा था, आई मीन स्टंट सेटअप हो रहा था, जो भी, जब भी हम उनसे बात करते बहुत सीखा है मूवीज़ के बारे में, स्टंट्स के बारे में, स्टंट्समैन के बारे में. तो ही इज़ अ ग्रेट गाय एंड आई थिंक ही इज़ गॉट सम अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. मतलब वो आपको हंसा हंसा के पागल कर देंगे, इतना ही इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बींग. सो आई एम सो ग्लैड दैट, वेरी टैलेंटेड पर्सन. सो आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट अ चांस टू नो हिम इन दिस शो. लोपा, जाते जाते वन लास्ट क्वेश्चन. इससे पहले भी आपने रियलिटी शो किया बट उसमें भी टाइम नहीं होता था, आप बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल लगती थी, और इसमें भी टाइम नहीं होता था, आपने आपको काफ़ी अच्छा मेंटेन किया. जितने भी इंस्टाग्राम्स में पिक्स आते थे या फिर जो भी है, इतने अच्छे से अपने आप अपने आप व्यूअर्स के सामने आ पाई, क्या कहना चाहेंगे लाइक हाउ? थैंक्स. मुझे लगता है आप खतरों के खिलाड़ी में कभी मेरा डरावना रूप भी देखोगे, जब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो यू. तो ऐसा भी था कि कभी वर्म्स है, कॉकरोचेस है, स्नेक्स है, तब शायद मैं उतनी प्रिटी ना लगूँ और बहुत ज़्यादा डरी हुई लगूँ. यू नो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर
इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे मैंने ब्यूटी पैजेंट्स किए हैं, मैंने इंटरनेशनली ब्यूटी पैजेंट्स किए हैं, जिस तरीके की लड़कियों के साथ कम्पीट किया है, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे, या इतना बेहतरीन दूसरी लड़कियां होती हैं कि जब आप उनके साथ होते हो तो यू हैव टू बी एट पार. तो मेरे लिए अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, हमेशा बाल प्रॉपर होना, हमेशा प्रेजेंटेबल होना बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है. शायद दूसरों के लिए इतनी अहमियत नहीं रखता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज अलग है, फील्ड्स अलग है, करियर्स अलग अलग डायरेक्शन से हम आए हैं. पर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी जज्बातों को भी, पर मैं कोशिश करती हूँ कि वेन एवर आई एम ऑन कैमरा आई एम ऑलवेज प्रेजेंटेबल. पर हाँ, शो में ऐसे बहुत बार हुआ है कि शायद पता नहीं, मैं क्योंकि हम दिन भर शूट करते थे, पसीना पानी दिन भर 16-16 घंटे नॉनस्टॉप शूट करते, स्टंट्स ऐसे कर रहे हैं, कभी कीचड़ में, कभी पानी में, कभी हवा में, कभी फायर, कभी. सो इट्स आई जस्ट गेव माय बेस्ट. लेट्स सी, आप जब शो देखेंगे तो बताना कि मैं ठीक दिख रही थी कि नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज. आपने बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहाया है, बहुत पता नहीं मैं डिज़र्व भी करती हूँ कि नहीं, पर जितना प्यार मुझे मेरे सपोर्टर्स ने दिया है, पता नहीं, इट्स जस्ट मैं कभी कभी हैंडल नहीं कर पाती हूँ, मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि दे एक्चुअली लव मी सो मच एंड आई हैव कम बैक ऑन टेलीविजन. क्योंकि हमेशा आप कहते थे कि व्हेन आर यू कमिंग बैक ऑन टेलीविजन, सो आई हैव कम बैक ऑन टेलीविजन ओनली फॉर यू गाइज ऑन कलर्स सेम चैनल एंड एवरी सैटरडे एंड संडे यू हैव टू वॉच एंड शावर मी विद ऑल द लव दैट यू हैव फॉर मी, एक्सप्रेस इट टू मी बाय वॉचिंग खतरों के खिलाड़ी एंड बाय बीइंग द पार्ट ऑफ माय क्रेजीएस्ट जर्नी. सो कीप वॉचिंग कलर्स एवरी सैटरडे एंड संडे 9 PM खतरों के खिलाड़ी सीजन 8. थैंक्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू.